देखिए कि आप सब लोगों को पता है कि जो मानसिक बीमारियों का कोविड के बाद में एक तरीके से एपिडेमिक हुआ है, हालांकि वो थी पहले से भी, पर कोविड के बाद में जो विषम परिस्थितियां हुई उसके अंदर इनका इलनेसेज की प्रिवेलेंस रेट बढ़ गई, है ना। उनको प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं, खासकर उस बीमारियों के बारे में जो कि मानसिक रूप भी बीमार है और उनमें शारीरिक बीमारी भी है ना। तो ये क्या है कि दोनों जब प्रेजेंट होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि एक बीमारी के ट्रीटमेंट में जो औषधियाँ काम आती है वो दूसरी बीमारी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और दूसरी बीमारी वाली अगर नहीं ठीक करेंगे उनको, तो जो शारीरिक बीमारियों के लिए जितनी लगन से, उत्साह से, जोश से इलाज करवाना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, नियमित रूप से दिखाने के लिए आना चाहिए, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें होपलेसनेस आ जाती है कि यार मैं ठीक, कुछ होना जाना तो है नहीं, है ना। तो जितना उसमें परिश्रम करना चाहिए, लगन होनी चाहिए, वो नहीं होगी उसके अंदर, डिप्रेशन अगर हो जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू सर ने बताया, इसके साथ साथ ये भी है कि जो दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनको भी हम इस बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि कई बार मान लीजिए जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको डिप्रेशन भी है, तो उनका फोकस जो है वो पूरी तरह उसकी शारीरिक बीमारी पर रहता है, ना कि उसके इमोशनल जो उसका आस्पेक्ट्स हैं। तो हम इसके जरिए उनको भी इस बारे में बताना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में आपको लगता है कि इसके शारीरिक बीमारी के साथ साथ इसको कुछ इमोशनल कंपोनेंट भी हैं, तो उसको संज्ञान में लें, और समय रहते अगर आप उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भेजते हैं, तो स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप उसके साथ एसोसिएटेड जो इमोशनल कंपोनेंट है उसका अगर समय पर इलाज करते हैं, तो जो उसके शारीरिक जो बीमारियां हैं उसमें भी जो फायदा होता है वो काफी सकारात्मक होता है। तो हमारा ये भी इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव है। कॉन्फ्रेंस है, 1 और 2 को चलेगी। इसमें SMS के अलग अलग सुपर स्पेशलिटी के प्रोफेसर आएंगे, कार्डियोलॉजी के हैं, न्यूरोलॉजी के हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के हैं। इसके साथ साथ हमारे निमेंस बेंगलोर से, हमारे बॉम्बे से, एम्स दिल्ली से, ये हमने इसके एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। 100 से ज़्यादा इसमें PG स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। PG स्टूडेंट्स की इसमें हम क्विज भी करा रहे हैं ताकि उनमें एक क्यूरियोसिटी बनी रहे, उनमें पढ़ने की भावना बनी रहे, क्या नए इसमें अपडेट्स हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी रहे। तो ये सब लेके, और इसमें हमने रिटायर्ड जजेस और अधिवक्ता हैं उनको भी बुलाया है, ताकि हम जो कुछ लीगल आस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें कई बार हमारे जो युवा मनोचिकित्सक हैं वो घबराते हैं या उनमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, तो हम चाहेंगे कि उसमें एक इसका लीगल इनपुट भी हमें मिले और एक सकारात्मक रूप से हम किसी कंक्लूजन पे निकल के एक अच्छी सेवा दे सकें।